नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। वाराणसी प्रथम आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत। यूपी विधानसभा चुनाव में निषाद समाज का वोट तय करेगा सरकार किसकी बनेगी, सुचित साहनी। वाराणसी से मंडल प्रभारी अजय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की विकासशील इंसान पार्टी VIP के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर विकासशील इंसान पार्टी VIP के वाराणसी जिला अध्यक्ष सुचित कुमार साहनी की अगुवाई में विकासशील इंसान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजाराम बिंद का फूल माला पहनाकर ढोल नगाड़े के साथ भव्य स्वागत किया गया। बुधवार को लगभग शाम 5 बजे VIP पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल राजाराम बिंद के वाराणसी प्रथम आगमन पर जैसे ही शिवपुर बाईपास पहुंचे उत्साही VIP पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिवपुर बाईपास पर VIP पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष व वाराणसी जिला अध्यक्ष सुचित कुमार साहनी और कार्यकर्ताओं एवं समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की और विस्तार से पार्टी की नीतियों पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजाराम बिंद ने कहा है कि विकासशील इंसान पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 165 सीटों पर ताला ठोक कर अपने दम पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। हाल ही में लखनऊ में भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली के दौरान निषाद समाज के लोगों ने यह साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। इसके अलावा VIP पार्टी के वाराणसी जिला अध्यक्ष सुचित कुमार साहनी का कहना है कि वर्तमान सरकार की जुमलेबाजी अब नहीं चलने वाली है और निषाद समाज के लोग अब जाग उठे हैं और उनको अब ये पता चल चुका है कि उनको आज तक अंधेरे में रखकर उनके हक और अधिकार से वंचित रखा गया है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में निषाद समाज के वोट का बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। निषाद समाज जिसके साथ रहेगा उसी नया इस बार पार लगने वाली है। VIP कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव के नारे के साथ जोर शोर के साथ पार्टी का नारा लगाया। इस दौरान VIP पार्टी के वाराणसी जिला अध्यक्ष सुचित कुमार साहनी, प्रदेश उपाध्यक्ष हरिशंकर निषाद, जिला सचिव खुशबू श्रीवास्तव, जिला प्रधान महासचिव दीपक आर्य चंदन निषाद, अल्पसंख्यक जिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मोहम्मद अकरम रोहनिया, विधानसभा अध्यक्ष अवधेश साहनी, जिला उपाध्यक्ष राजेश निषाद, शहादुर साहनी, अशोक प्रसाद, बलराम निषाद के अलावा आदि VIP कार्यकर्ता मौजूद रहे। कन्या देख रहे थे आपको बंदर। अच्छा, कहाँ है? जिंदाबाद जिंदाबाद। सहानी राजा रामबीन। जिंदाबाद जिंदाबाद। सहानी राजा रामबीन। जिंदाबाद जिंदाबाद। सहानी मुकेश सहानी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हरिशंकर निषाद मुकेश सहानी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हरिशंकर निषाद मुकेश सहानी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हरिशंकर निषाद सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजा राम बिंद, राष्ट्र उपाध्यक्ष VIP पार्टी, पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष VIP पार्टी। अच्छा सर, अभी आपको क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और आपका पहला आगमन काशी की धरती पे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा है और आज तो बहुत ही खुशी की बात है कि देखिए इतना ठंड होते हुए हमारे समाज के नौजवान साथी डटे रहे, इसके लिए बहुत ही खुशी है और लग रहा है कि हमारा समाज हमारे साथ है और जग चुका है। अच्छा सर, ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बस आगामी 2022 के चुनाव हम 165 सीट पर मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। 165 सीट जो हमारा निषाद बाहुल्य है वहाँ हम 165 सीट लड़ रहे हैं। अच्छा सर, क्या किसी पार्टी से कोई गठबंधन की भी कोई संभावना है अभी? नहीं, हमें गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। हमारा तो समाज को हर पार्टियां ने चलने का अभी तक काम किया है और आज हमारे माननीय मुकेश साहनी VIP पार्टी के साथ हम लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं। जिस दिन हमारा समाज हमारे साथ एकत्रित हो जाएगा, एक संगठन बजाय 16% 8% 7% वाले सरकार बनाते हैं, हम 17% हैं आज, पीछे पीछे घूम रहे हैं, हमारे समाज हमारे साथ हो जाएगा, हमें किसी गठबंधन की जरूरत है जिसकी जरूरत होगा हमारे पास आएगा। सर, आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस समाज के लोगों से आग्रह निवेदन यही करेंगे कि हर पार्टी हर लोग आज तक हर नेता हमारे समाज को ठगने का काम किया, जो भी हमारे नौजवान के नौजवान साथी हमारे समाज को जग जाए, आज जग करके समाज को इकट्ठा करें, एक मंच पर आए और अगले 2022 में मजबूती से हम लोग चुनाव लड़े। ठीक है सर। अरे
एक मिनट भाई, माला और मंगवाइए दीजिए अपना। मैं सुशील कुमार सहनी, जिला अध्यक्ष बनारस, बीजेपी पार्टी। अच्छा जी, आज आपके साथ आपके पार्टी के क्या कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी आपके साथ हैं, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी आज थोड़ा विलम्ब कर दिए, लेकिन हमारे बनारस काशी की धरती पर उन्होंने पहला आगमन है, उनका भव्य स्वागत के लिए हम लोग मतलब खड़े हैं और आए हम, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने क्या कहते हैं कि आपके मतलब कि जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जैसे कि उन्होंने अभी बताया चुनाव को लेकर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी बात कही, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं उनकी बातों से पूरी सहमत हूँ और आगामी विधानसभा चुनाव हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के लोग? अपने समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी पार्टियों को उन्होंने देख लिया है, अब हमारी खुद की पार्टी बनी है और जिसका सिंबल भी है, अब हमें जो कि अब हम लोग चुनाव के लिए तैयार है पूरी तरह से, और वीआईपी पार्टी के साथ है, और वीआईपी पार्टी चुनाव चिन्ह नाम हम लोग का आ गया है।